ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ड प्रॉब्लम है। एक स्फीयर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके स्ट्राइक कर रहा है। हमें निकालना है कि कितना फोर्स आएगा स्फीयर पे। दो सिचुएशन में निकालना है, एक सिचुएशन जब फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है और दूसरा सिचुएशन व्हेन फुल्ली एब्जॉर्बिंग है। इंटरेस्टिंगली दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, तो मैं सिर्फ रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट करता हूँ, आप दूसरे वाला पार्ट खुद करके ट्राई कर लीजिए। सो रिफ्लेक्टिंग वाले पार्ट में ये स्फीयर हमने लिया है और रेडिएशन आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन एक्स है और रेडिएशन का इंटेंसिटी आई दिया हुआ है। इससे पहले कि मैं आगे इसमें बढ़ूँ, ये बाकी डिटेल लूँ, थीटा और डी थीटा लूँ, मेन चीज़ जो है, जो मैं चाह रहा हूँ बच्चों को एकदम क्लियर करना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, NPC इज इक्वल टू IA। मैं कई लेक्चर में से बता चुका हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन लगाइए। एन जो है नंबर ऑफ फोटोन कमिंग पर सेकेंड अक्रॉस दिस एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इंटेंसिटी। मीन्स अगर हमारी इंटेंसिटी आई ऐसे है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी इंटेंसिटी आई का है वो ऐसे आ रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है वो इस फॉर्मूले में लेना है। उस पे एन फोटोन पर यूनिट टाइम पड़ रहे हैं, ये एन, और एक फोटोन का मोमेंटम पी है, स्पीड ऑफ लाइट सी है, आई इंटेंसिटी है इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोटोन आ रहे हैं, और एरिया जो है कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई भी एरिया ले लिया वही एरिया है जो इसके इस रीजन में, जो ये एरिया एक तो परपेंडिकुलर है और इस एन से रिलेटेड है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सपोज यहाँ पे जो है इस वाले स्फीयर को लें, तो इस स्फीयर पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर से निकल जा रहा है उससे तो कुछ नहीं होगा। कैप्चर कौन सा पार्ट कर रहा है? कैप्चर स्फीयर वही पार्ट कैप्चर होगा जो स्फीयर पे स्ट्राइक करेगा, और वो है पार्ट जो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, जो स्फीयर का क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू इन डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन है, उस रीजन में जो फोटोन्स हैं वही कैप्चर होंगे, वही स्ट्राइक करेंगे, उन्हीं का मोमेंटम चेंज होगा। तो अगर एन फोटोन है उस रीजन में, एक और एन फोटोन पर सेकेंड है उस रीजन में, और एक फोटोन का मोमेंटम पी है, तो NPC इज इक्वल टू आई इंटेंसिटी है, तो पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे भूल कर भी 4 पाई आर स्क्वायर मत ले लेना, एकदम ब्लंडर हो जाएगा। तो NPC इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं लूँ नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड इन दिस रीजन इज एन अपॉन पाई आर स्क्वायर, सो पर यूनिट एरिया जो है ये आ रहा है, ये मैंने, और इसका रिलेशनशिप ये है, एन अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन पी सी। एक मैंने ऐसे ही इक्वेशन बना लिया है। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम पे करता हूँ, नहीं तो बहुत खिचड़ पिचड़ बन जाएगा। ये थीटा है, ये डी थीटा का मैंने सेगमेंट लिया है। फोटोन जो स्ट्राइक कर रहे हैं, मैं एक का बना रहा हूँ, सपोज एक फोटोन ऐसे आ रहा है, ये नॉर्मल था और ये रिफ्लेक्ट हुआ एकदम मिरर इमेज की तरह, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे जा रहा है। सो ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एक्स एक्सिस से ये वाला जो फोटोन है ये एंगल बना रहा है पाई माइनस ट्वाइस थीटा। तो मोमेंटम, अगर इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स है पी, और फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स होगा पी कॉस पाई माइनस ट्वाइस थीटा, वो जो होगा माइनस पी कॉस ट्वाइस थीटा। यहाँ से माइनस मत हटा देना अब आप, ऐसे ही रखना है। तो चेंज इन मोमेंटम एक फोटोन का कितना हुआ? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये हुआ माइनस पी कॉस ट्वाइस थीटा माइनस पी, ये हुआ माइनस पी वन प्लस कॉस ट्वाइस थीटा, या माइनस पी ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, आप लोग एक्सपर्ट हैं। ये डेल्टा पी एक फोटोन का आया। अब इस रीजन में देखिए कितने फोटोन हैं जो स्ट्राइक करेंगे। इस रीजन का मतलब, ये जो मैंने एक सेगमेंट लिया था, बेसिकली एक रिंग लिया था, एक मैंने रिंग ले लिया है स्फीयर पे, ऐसे ये रिंग है सरफेस पे उसके। ये डी थीटा बहुत छोटा है, यहाँ बड़ा दिख रहा है, बहुत ही छोटा है। और थीटा का वैल्यू जो वेरी करेगा, यहाँ 0 टू
पाई मत ले लेना, कुछ बच्चे पाई लेते हैं गलत। जब आपने रिंग ऐसे लिया है तो थीटा जब पाई बाय टू तक जाएगा तो पूरा रिंग कवर कर लेगा। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे थीटा को ध्यान रखिए, 0 से π/2 लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे π/2 पूरा रिंग कवर कर रहा है, यहाँ तक जो भी रिंग फाइनली बनेगा ऊपर नीचे दोनों कवर हो रहा है, ऊपर नीचे क्या ऑल अलॉन्ग कवर हो रहा है। तो थीटा 0 से π कुछ बच्चे ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, नॉट ओनली फोटोन में बहुत जगह ये चीज़ आएगी। आपने इस किस तरह से रिंग लिया है वो ध्यान से देखिए, लिमिट फिक्स करते हुए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट लेते हुए थीटा की स्फीयर के केस में बहुत ध्यान से लिखना, पाई होगा कि π/2 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी क्वेश्चंस के लिए। ये डेल्टा पी हुआ, और एक फोटोन का सपोज यहाँ पे फोटोन आ रहे थे n डैश पर सेकेंड, इस रीजन में ये जो हमने रिंग लिया है इस रीजन पे जो पूरे फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं वो n डैश है पर सेकेंड, तो मैं इसको n डैश से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ है, फोर्स है एक्स डायरेक्शन में फोटोन पे, नेचुरली एक्स डायरेक्शन ये डायरेक्शन है और ये मेरा नेगेटिव में आया, इसका मतलब फोटोन में फोर्स अपोजिट टू एक्स लग रहा है। लेकिन प्लेट पे जो ये स्फीयर पे जो फोर्स लगेगा f(x)² पे लगेगा, फोटोन का साइन उल्टा कर दीजिए वो स्फीयर का आ जाएगा फोर्स, तो p n डैश ट्वाइस cos² थीटा। एन डैश है नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इन दिस रिंग, स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर, ये जो इस रीजन में जो रिंग का जो रीजन है इसमें आपको देखना है इस रिंग का एरिया कितना है, प्रोजेक्टेड एरिया देखना है हमेशा। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n डैश PC इज इक्वल टू I, I तो सेम रहेगी इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी है, मैंने लिया है n डैश इस रिंग इस रीजन में जो कि इस रिंग पे स्ट्राइक कर रहे हैं, PC इज इक्वल टू I अगेन एरिया डैश परपेंडिकुलर। एरिया परपेंडिकुलर कितना है, पहली बात तो रिंग का एरिया कितना है, आपका ये रेडियस कितना है रिंग का, रिंग का रेडियस है R इज इक्वल टू R sin थीटा, तो रिंग जो स्फेयर पे है उसका एरिया हो गया ट्वाइस पाई R sin थीटा इंटू R d थीटा, R d थीटा ये सेगमेंट है, ये हुआ एरिया जो कि स्फेयर पे है, मुझे निकालना है वो एरिया जो इस इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है, तभी मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगा, और वो होगा इसका प्रोजेक्टेड एरिया। ये क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया से ये मेन एरिया एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे देखिए, तो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा a डैश प्रोजेक्टेड आएगा ट्वाइस पाई R sin थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है R d थीटा, तो ये हो गया ट्वाइस पाई R² sin थीटा cos थीटा d थीटा इज ए प्रोजेक्टेड डैश। अब आप यहाँ पे रख दीजिए नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है n डैश है, और n डैश यहाँ पे है n डैश इंटू PC इज इक्वल टू I, a डैश परपेंडिकुलर कितना है ट्वाइस पाई R² sin थीटा cos थीटा d थीटा, और एक हमारी पहली इक्वेशन क्या आई थी NPC इज इक्वल टू I इंटू पाई आर स्क्वेयर, सो n डैश इज इक्वल टू N, ये आप दोनों डिवाइड कर लीजिए ट्वाइस sin थीटा cos थीटा d थीटा, आपका n डैश का वैल्यू आ गया, और n का हमारा रिलेशनशिप ये था ही, तो हमारा जो फोर्स लग रहा है स्फीयर पे, मैं एक एक चीज़ डिटेल में कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जो फोर्स स्फीयर पे लग रहा है वो p n डैश ट्वाइस cos² थीटा है, और n डैश की वैल्यू कितनी है वो है n, ये हो गया p n 4 sin थीटा cos³θ d थीटा, ये है fx। और NP की वैल्यू कितनी थी, पुराने फॉर्मूले में जाइए, मेन जो फॉर्मूला है NP है I π R² / C, तो I π R² / C × 4 sin थीटा cos³θ d थीटा, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 to π/2 करेंगे,
अब मैं इंटीग्रेट करूँगा 0 to π, मत लेना, मैं रिपीट करूँ, π/2 करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा i π r² / c। अब इंटरेस्टिंगली आप करके देखिए, जब इसमें जो है आपका फाइनल मोमेंटम, ये आप ज़ीरो लीजिए, पूरे अब्जॉर्ब हो रहे हैं, सिर्फ इनिशियल मोमेंटम लेके देखिए, करिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा।